नमस्कार दोस्तों, मैं ताड़ी दोस्त सुनीता अरोड़ा चाइना परफेक्ट हाउसवाइफ विद ताड़ा एक बार फिर स्वागत करनी हाँ। आज आप बनाने जा रहे हाँ पंजाबी कुल्फी। ऐसली आप की लेना है, आ मेले आया है लगभग 1 लीटर फुल क्रीम दूध, जिसनों की मैं गैस के उत्ते रख दिता है, गैस चला के फुल गैस के उत्ते। हूँ आप इसन अद्धा रहन तक काढ़ांगे। उस तो बाद की करना है कि अपन जेड़ा इन्दे विच बाकी समान चाहिए उन्दे वल निगाह मारनी है। ठीक है दोस्तों, आओ देखिए और अपन की चाहिए है। हाँ जी दोस्तों, हम अपन जेड़ा विच पाने लिए समान चाहिए है, वह समान की है स्वाद अनुसार चीनी। यह मैं लिया नारियल बुरादा जेड़ा कि 1 टीस्पून है, और इलायची ऑप्शनल है। कई बार बच्चे इलायची लाइक नहीं करते, तो इलायची कोई जरूरी नहीं है पानी, है ऑप्शनल है, पाना चाहो तो पाओ, नहीं पाना चाहो तो ना पाओ। आ मेरे को हैगा अरारोट जो कि 1 चम्मच है, और आ मैं लिया है पानी। पानी या दूध इन्हें चो आप एक चीज जो कि रूम टेम्परेचर से होए वो लैके इनू खोल लेना है। अच्छी तरह खोल लिए कि कोई गठ ना रहे, ताकि जो आप इन दुध के पाइए तो दुध में भी कोई जाके गठ ना बन जाए। आ देखो अच्छी तरह खुल गया। हाँ जी दोस्तों, हम अपने जी आप दुध रखा हुआ सी ये लगभग अद्धा रह गया है। आप की करना है कि इनके हम जरा अरारोट घोलिया पाना है, तो एक उबाला दवा के तो देखो आ हम अपना जड़ा है वह गाढ़ा हो चुका है। हम इन आप की करना है कि चीनी पा दें। हाँ जी, हम आप चीनी पाती जो कि आप टेस्ट के अनुसार लैनी है, तो इसनों आप हिलावे ताकि चीनी खुर जाए अच्छी तरीके ने। ते अगर आप इलायची पानी है तो चीनी के नाल ही इलायची पाउडर भी पा देंगे, मैं इलायची नहीं पा रही। आ देखो अपनी चीनी बिल्कुल देखो खुर चुकी है, तो अपना जेड़ा मैं दूध सीगा वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, जो कि ठंडा होने तो बाद होर गाढ़ा होएगा। हुण इनू आपां रूम टेम्परेचर तक ठंडा करांगे। ठीक है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, आज जड़ी अपनी रबड़ी बनी हुई सी ए रूम टेम्परेचर पे ठंडी कर ली है मैं, तो हुण आपां आ जड़ा नारियल का बुरादा सीगा इहदे विच ऐड कर लेना। अच्छी तरह इनू मिक्स कर लेंगे दोस्तों। आ मिक्स करने तो बाद हुण मैं इसनू आ मेरे को जेड़े मोल्ड है इन्हां दे विच पा रही हूँ, पा के ते आपां इनू फ्रीजर दे विच सैट करने लिए रख देंगे। कोई 1.5-2 घंटे फ्रीजर दे विच रखन तो बाद उदो ये अद्धी जम जाएगी, पूरी नहीं। तो इन्दे विच आपां आइसक्रीम स्टिक्स पा देवांगे। ठीक है, आ पा के मैं फ्रीजर दे विच इनू जमन लई रख दांगी। हाँ जी दोस्तों, आ 5-6 घंटे मैं फ्रीजर दे विच जमान तो बाद आपनी जिहड़ी कुल्फी है बिल्कुल जम चुकी है। ये हुण मैं ड्राई फ्रूट लिया हैगा जिन्हों बारीक कटिया होया। हुण आपां इन कुल्फी सब तो पहला इन मोल्ड दे विचों निकालने हैं, ते उस तो बाद हाँ जी आ मैं मोल्ड उठाया पानी दे विच थोड़ा इन डिप कर रही हूँ, इन्दे नाल थोड़ी अपनी मेल्ट हो जाएगी। तो अस
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕੁਲਫੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਲਫੀ ਜਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਲਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ, ਮਜ਼ੇ ਲਓ ਕੁਲਫੀ ਦੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ।